तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो यार आज के एक न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज की वीडियो में हम Realme P1 का BGMI टेस्ट करके देखने वाले हैं। चेक करेंगे भाई 15,000 रुपीज के एंट्री वाला स्मार्टफोन आता है, कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस लेके आ रहा है, और क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी कंफ्यूजन आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला, पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ चैनल के ऊपर। बाकी बिल्कुल भी अभी हम टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी इस वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। इसकी सबसे पहले स्पेक्स की बात कर लेते हैं, जो भी सारे स्पेक्स आपको स्क्रीन के ऊपर लिखी दिख जाएगी, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इसके अंदर जो प्रोसेसर है भाई Dimensity 7050 दे दिया गया है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वाला स्मार्टफोन। और भाई एक खास बात और है कि इसके अंदर ना AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है, वो भी 120 हर्ट्ज की। और इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइस है 16,000 रुपीज है, अगर आप ऑफर वगैरह लगाओगे तो अंडर 15,000 रुपीज वाला स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा तगड़ी प्राइसिंग में इस बार Realme ने स्मार्टफोन को लॉन्च करा हुआ है, और स्पेक्स भी काफी तगड़ी है। बाकी गाइस अभी ये वाला जो स्मार्टफोन है इसको मैंने 100% यहाँ पे चार्ज कर लिया है, 1 घंटे की गेमिंग के बाद हम चेक करेंगे कितना परसेंट का बैटरी ड्रॉप होता है। सबसे पहले इसकी ग्राफिक सेटिंग्स में अगर आपको बताऊं तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की, यानी कि 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स अनलॉक है। और आगे की सेटिंग्स आप देखोगे तो ये इसकी मैक्स सेटिंग्स है HDR प्लस अल्ट्रा की। FPS मीटर बाकी मैंने लगा लिया है, और इसका जो ये मोड है ना इसको हमने बैलेंस मोड पे रखा हुआ है, एंड के मैच हम प्रो गेमर मोड पे भी करके देख लेंगे। सबसे पहला मैच भाई इसके अंदर हम TDM का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने TDM का मैच नहीं करा था, तो काफी सारे लोगों ने मेरे को बोला भाई TDM का मैच जरूर करा करो, हमें परंपरा देखनी होती है। तो इस बार TDM का मैच स्टार्ट कर रहे हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स पे रख के। और भाई इस वाले स्मार्टफोन का जो जायरोस्कोप सेंसर है ना, देखो वो भी प्रॉपरली एक्टिव हमको देखने को मिलता है, इसके अंदर भी कोई डिले नहीं है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मोस्टली इस वाले प्राइस रेंज के स्मार्टफोन्स के अंदर ना जायरोस्कोप में डिले होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो बढ़िया बात है। और हेडफोन जैक भी है भाई गेमर्स के लिए, ये तो जरूरी चीज है, आप वायर वाली ईयरफोन लगा के भी गेमिंग कर सकते हो। अभी परफॉर्मेंस और चेक कर लेते हैं, हल्के हल्के फ्रेम ड्रॉप्स होने लग गए पहली मीडियम में। थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम ना इसका स्कोप वगैरह ओपन करने में लेट हो रहा है, मैं बहुत पहले टैप कर चुका था स्कोप के बटन पे, एंड देन उसके काफी टाइम बाद स्कोप खुल रहा है। ये यही छूट गया, छोड़ा भी नहीं मैंने तो। जीत गए लो भाई पहले टीडम के मैच, तो परंपरा हमने तोड़ दी। अब एक टीडम के मैच हम कंप्लीट करके आ चुके हैं, परफॉर्मेंस आपने देखी होगी इस वाले टीडम के मैच के अंदर ना, देखो वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रही 60 FPS की, लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स हुए हैं, लाइक 45 FPS 40 FPS तक आया था ये 15-20 FPS वाले ड्रॉप हमको पहले टीडम के मैच के अंदर देखने को मिल गए हैं। अभी जो अपना अगला मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो रेंगल का कर रहे हैं, बैलेंस मोड पर रख के ही कर रहे हैं, और सेटिंग्स वही रख रहे हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली ही। चलो गाइस जंप करते हैं, देखते हैं। ओहो 15 FPS तक आया, बहुत ज्यादा ड्रॉप था, बट अभी तक भी मेंटेन नहीं करा इसमें। तो भाई यार कब खुलेगा स्कोप? कोई बात नहीं, मैं अगला फिर से रेंगल का मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेटिंग्स वही रखेंगे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली, बिकॉज भाई इसको मैंने मैक्स सेटिंग्स पर ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। मैक्स सेटिंग्स पे अगर आप गेमिंग करोगे तो ऑफकोर्स आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार हम इसका मास्टर मोड ऑन कर रहे हैं, सेटिंग सिमिलर रहेगी स्मूथ एक्सट्रीम वाली। अब देखते हैं बैलेंस मोड के कंपेरिजन में प्रो गेमर मोड में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। प्रो गेमर मोड अभी हमने ऑन कर लिया है, इसके बाद हम जंप में देखते हैं कितना डिफरेंस आया है। कोई डिफरेंस नहीं आया, अभी भी 15 FPS तक जा रहा है, लो 12 तक ही आ गया। और खेली गया वो तो बुरा, मत आवाज करो यार।
एक ही एंगल के मैच भी हम कंप्लीट करके आ चुके हैं, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी मर गए थे, लेकिन आपने ड्रॉप्स देखे होंगे जंप करते हुए 15 FPS तक आ गया था, जो कि बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है भाई, 60 से सीधा 15। एंड नीचे की फाइट की बात करो तो फाइट में भी 40 FPS 45 FPS ऐसे वाले FPS हमको देखने को मिल रहे थे। कांस्टेंट 60 तो कभी-कभी टच कर रहा है, लेकिन ड्रॉप्स के साथ यहां पे हमको परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस वाले एंगल के मैच के अंदर। नेक्स्ट मैच अपना फिर से एंगल का हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस बार इसका प्रो गेमर मोड ऑन कर रहा हूं मैं और साथ-साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू कर रहा हूं, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से कर रहा है वाला स्मार्टफोन। सेटिंग्स वही रख रहा है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली। और बाकी भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें ना, तो ये 1080p तो मैंने इसको कर दिया है, लेकिन फ्रेम रेट ना सिर्फ 30 तक रिकॉर्ड कर रहा है, तो अपन इसे डायनेमिक पे रहने दे रहे हैं। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ देखेंगे अभी कैसी परफॉर्मेंस रहेगी इसकी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जंप करते में अरे भाई 7 FPS तक आ गए, तो 9 तक ड्रॉप तो कर रहा है जंप करते में। अरे भाई साहब चला ही नहीं पाया बेचारा। ये भाई खुल गया भाई खुल गया। पीछे से पड़ी थी या ले उसके कौन पड़ गई। इस वाले मैच के अंदर भी हमको फ्रेम ड्रॉप वगैरह इजीली नोटिस हो गए थे, इस बार तो 12 FPS तक भी आया था, तो जंप करते में बहुत ज्यादा का ड्रॉप था। नीचे फाइट में भी भाई 40 FPS 45 FPS ये वाली FPS आपको मेंटेन करके चला रहा है वाला स्मार्टफोन। गाइस एक बार लास्टली इसका टेंपरेचर हम चेक कर लेते हैं कितना पहुंच गया है पूरी गेमिंग करने के बाद। फ्रंट से तो 40.2 के करीब चल रहा है, बैक से 36 डिग्री है, मतलब 42 डिग्री मैक्स पहुंचा अपने डैश के अंदर। और अपने डैश को ना हम 45 मिनट का ही रख रहे हैं, यहीं पे स्टॉपवॉच को स्टॉप करके मैं फेंक देता हूं कोने में को। बैटरी ड्रॉप की बात करूं तो देखो 89% बैटरी अभी बीच के अंदर बची हुई है, सिर्फ 11% का बैटरी ड्रॉप हमको इस वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिला है 45 मिनट की गेमिंग के बाद। तो जो बैटरी है वो तो काफी ज्यादा कमाल की चल रही है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो अगर देखो अंडर 15,000 रुपीज वाला स्मार्टफोन आ रहा था, तो इसके हिसाब से जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक मेरे को देखने को मिली है, डिसेंट सी गेमिंग है। बहुत ज्यादा हार्ड कोर गेमिंग अगर आप करते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको ये वाला स्मार्टफोन, लेकिन आपको ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, लाइक आपको डिस्प्ले के अंदर बढ़िया वाला देखने को मिल रहा है एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का, बड़ी बैटरी मिलती है 5000 mAh की, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड ऑल, प्रोसेसर भी अच्छा दे दिया गया है, तो 60 FPS की गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। तो अगर आप एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से देखोगे तो स्मार्टफोन अच्छा है, लेकिन सिर्फ गेमिंग को फोकस करके ले रहे हो डेडिकेटेड गेमिंग के लिए आपको तगड़ा फोन चाहिए तो भाई आप किसी और अदर ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लेकिन डिसेंट सी गेमिंग वाला स्मार्टफोन भी आपको करा के दे देगा ये वाला स्मार्टफोन। वैसे तो मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहने वाला है भाई, अगर आपको ये वाला स्मार्टफोन चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन अंदर मैंने आपको लिंक दे दिया, वहां से जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आपको वाला वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, कोई कंफ्यूजन रह गया अभी भी इस वाले स्मार्टफोन से रिगार्डिंग तो बेझिझक जगहों के मेरे से पूछ लो कमेंट सेक्शन में, आपका रिप्लाई भी कर दूंगा। बाकी सब्सक्राइब मारो चैनल को, ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस में लेके आता रहता हूं, 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।